Supremacist India has rejected your allegations. You're a criminal! You're a criminal! You're the reason why I'm going to get your phone. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश की। मात्र अपने वोट बैंक के लिए जिस आतंकी के साथ ट्रूडो संसद से लेकर सड़क तक पर उतरकर भारत जैसे देश पर आरोप लगा रहे हैं, अब अपने ही देश में मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि भारत कनाडा के रिश्तों की डोर बहुत मजबूती से कसी गई है। अब उसे अगर कोई पीएम कमजोर करने की कोशिश करेगा तो नतीजा भुगतना होगा। कनाडा के एक न्यूज चैनल ने ग्लोबल न्यूज के लिए एक नए IPSOS सर्वे को कंडक्ट करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिएवरे प्रधानमंत्री के रूप में 40% कनाडाई नागरिकों की पसंद है। मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो उनसे पीछे हैं। ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नेताओं के बीच अंतर ये संकेत देता है कि 2025 में अगले चुनाव में कंजर्वेटिवों की सरकार बनाने के लिए बहुमत मिलने की काफी संभावना है। कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिएवरे की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और 40% कनाडाई लोगों का कहना है कि वो पीएम बनने के लिए सबसे अच्छी पसंद है। दूसरी ओर पीएम जस्टिन ट्रूडो को सबसे अच्छा विकल्प मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या साल दर साल 31% पर ही बनी हुई है। एनडीपी नेता जगमीत सिंह, जो खालिस्तान समर्थक और पीएम ट्रूडो के गठबंधन के सहयोगी हैं, सितंबर 2022 से 4 अंक फिसल गए हैं। 22% उत्तरदाताओं ने कहा है कि वो सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और देखभाल और आवास से संबंधित कनाडा के मुख्य मुद्दों पर सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर कनाडाई सोचते हैं कि पोलिएवरे के पास तीनों क्षेत्र में सबसे अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन ये डेटा एक बात तो सीधे तौर पर साफ कर रहा है, ट्रूडो ने जो प्लान बनाया था या जो स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने भारत के खिलाफ ये खालिस्तानी मुद्दा उठाया था, ये उल्टा उनकी नैया को ही डुबाने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आज कनाडा में चुनाव हो जाए तो आज ही ट्रूडो को हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन ट्रूडो का ये जो प्लान फेल होता नजर आ रहा है, क्या वाकई उसके पीछे खालिस्तानी समर्थक वोट बैंक है या फिर ट्रूडो कोई और गलती भी कर रहे हैं? खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।